आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। घर में तो जगह जगह फंक्शन की वजह से हलचल मची हुई है। भैया भी सुबह से काम में लगे हैं, लगता है पूरा शहर घूम चुके हैं अब तक। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात है। तुम्हारे भाई की तरह मेरी मॉम ने मुझे सेकंड ड्राइवर बनाया है। कम से कम लड़कों को 3 दिन पहले तो बख्श दिया करो। मैं तब भी कह रही थी जब रुख से तुम 1 साल बाद ही होनी है, तुमने कहा भी तब भी कर लेते। तुम तो जानती हो ना मेरे घर वाले पुरानी सोच रखते हैं। उनका तो ये कहना है कि 2 साल के कोर्स से पहले निकाह हो जाए ताकि जब मैं पाकिस्तान वापस आऊं तो हम रुखसती कर लें। और देखो ना, एक दफा निकाह हो गया तो मैं जब भी पाकिस्तान छुट्टियों पे आऊंगा तो हम आराम से घूम फिर सकते हैं। लेकिन हम वो अभी भी करते हैं। हाँ, लेकिन सबसे छुपके। एक दफा निकाह हो गया ना तो सीना तान के पूरे शहर में घूमेंगे। ऐसे तुम लकी हो कि तुम इतने क्यूट हो, वरना ये बहुत स्टूपिड लॉजिक थी। क्यूट तो हूँ, जब भी तो तुमने फौरन हाँ कर दी। I mean, अगर अरेंज मैरिज ही होनी है तो फिर कम से कम होने वाले शोहर को क्यूट तो होना चाहिए ना। अच्छा, मॉम की कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। सोनिया सुनो, ये लिफाफा अब्बू को दे देना, मैं जरा कैटरिंग वालों से मिलने जा रहा हूँ। ये क्या है? अपने काम से काम रखो। भैया सुने तो, ये मेरा निकल नाम है। अरे हाँ, इसको एहतियात से रख देना रूम में, अगर इधर उधर हो गया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इतनी तेजी से किसको मैसेज किया? निदा। मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो। अरे भैया मैं मजाक कर रही थी। मजाक को मेरे निकाह बुलाया ना उसे। कहाँ, तुम तो जानती हो ना अम्मी अब्बू बिल्कुल भी आजाद ख्याल नहीं है। कहाँ बुला रहे हैं उसको? मैं हूं ना। हाँ। मैं कहूंगी कि मेरी दोस्त है, मैंने बुलाया। सच्ची? सच्ची। मेरी बहन कितनी इंटेलिजेंट है, मुझ पे गई। सो प्राउड ऑफ यू। चले अब आप जाइए सबसे पहले कि अब्बा जान आप पे कोई और काम सौंपते हैं। और यू आर राइट। हाँ, चलता हूँ। थैंक्स। जी बेटा। अब्बू क्या जावेद निकाहनामा ले आया है? मुझे दे दो, मैं एहतियात से रख लेता हूँ। अब्बू एक मिनट, मेरे साथ बैठेंगे, एक बात करनी है। क्या हुआ बेटा? बैठे। क्या हुआ अब्बू? ये कैंसिल हुआ। दिखाओ मुझे। ठीक तो है बेटा, सारे निकाहनामे ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं अबू, जहाँ मेरे हुकूक पेंशन है वहाँ लकीरें खिंची हुई हैं, देखें। भाई ये तो आम सी बात है और सफ़े को कोई नहीं देखता। क्यों, ये जरूरी नहीं है? बेटा सबका निकाहनामा हमेशा से ऐसे ही होता है, बस तुम अच्छे की दुआ करो और इन चीजों पर फोकस मत करो। लेकिन अबू अगर ये क्लॉज इस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं तो किसी मकसद से लिखे हुए होंगे, और किसी और ने क्यों कैंसिलेशंस की हुई है मेरे निकाहनामे पे? मतलब मुझसे तो पूछना चाहिए था ना। सोनिया,
क्या तुम चाहती हो कि हम निकाह से पहले ऐसी खतरनाक बातें करना शुरू कर दें? बेटा ऐसे नहीं होता। लेकिन डिस्कस करना चाहिए, अब डिस्कस करना जरूरी है। सोनिया तुम्हारे साथ हमेशा से ये मसला रहा है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचती हो, फिर अजीब अजीब सवालात अपने जहन में बिठाकर वहम पालने लगती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम्हें अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना, जाकर अपनी अम्मी से पूछ लो। सोनिया इस खुशी के मौके पर ऐसी फजूल बातें सोचकर अपना जहन खराब मत करो। जाओ जावेद को जरा फोन करो कि वो कैटर के पास पहुंचा है या नहीं। और हाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अपनी अम्मी से कह देना कि शाम को खाने के वक्त आऊंगा, और इसे एहतियात से मेरे बेडरूम में रख दो, ठीक है? रिलैक्स बेटा रिलैक्स। आ गई सोनिया। बस खाना भी रेडी बेटा, भूख तो नहीं लगी? क्या हुआ, चुप चुप हो क्या? फिर किसी बात पर मंसूर से झगड़ा हो गया? नहीं। देखो बेटा तुम्हें मैंने कई बार समझाया, थोड़ा इंतजार कर लो और इस तरह से छुप छुप कर बातें करना छोड़ दो। एक दफा निकाह हो जाए तो ढेर सारी बातें करते रहना घंटों बैठकर। अरे मैंने कहा है ना कोई झगड़ा नहीं हुआ है। देखो बेटा इस उम्र में हर लड़का लड़की जज्बाती होते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो ही जाता है। तो अगर हम इतने ही ना समझे तो फिर हमारी शादी क्यों करवा रहे? सोनिया बेटा अभी तो तुम्हारा सिर्फ निकाह है, 2 साल के बाद रुक सकती है। अम्मी क्या आपको अपना निकाह नामा याद है? क्या हो गया सोनिया तुम्हें भी? मुझे 2 दिन पहले की बात याद नहीं होती है, तुम मुझसे बरसों पुरानी बात याद करवा रही हो। आपने अपने निकाह नामा पे दस्तखत करने से पहले एक दफा भी उसे गौर से नहीं पढ़ा? अरे शादी के दिन कहां किसी को इतना होश होता है। काजी साहब ने दस्तखत करने को जहां जहां कहा मैंने वहां वहां दस्तखत कर दिए। मगर अम्मी क्यों? क्या हो गया सोनिया, इतने सारे मेहमानों के हजूम में मैं अब निकाहनामा स्टडी करती, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? कुछ देर पहले मैंने अपना निकाहनामा देखा था, जहां जहां मेरी हुकूक की बात हो रही थी वहां लाइन बनी हुई थी। मतलब मेरे निकाहनामा पे कैंसिलेशन करने से पहले कोई मुझसे तो पूछ लेता। सोनिया बेटे अभी थोड़ी देर मैंने बताया है कि इन फजूल सी बातों पर कोई गौर नहीं करता, वो तो तुम्हारे अब्बू ने निकाहनामा मंगवा लिया, वरना तो काजी साहब उस दिन लेकर आते हैं जिस दिन निकाह होता है। नहीं अम्मी मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगता। क्या हो गया है सोनिया तुम्हें, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा, ये कोई वक्त है इन बातों का? जानती भी हो बस शुगनी होती है। क्या हो गया, क्यों डांट रही है बेचारी को? अरे पानी, वही फजूल सी बातों पर बहस कर रही है ये। अब क्या पूछ लिया उसने? भाई हम क्या मेरा निकाहनामा चेंज करवा सकते हैं? क्या निकाहनामा चेंज हो सकता है? वैसे अम्मी बड़ी अजीब बेटी पैदा की आपने, 3 दिन बाद तुम्हारा निकाह है और तुम निकाहनामा चेंज करने की बातें कर रही हो। तुम्हें पता है ना ये निकाहनामा है, तुम्हारे कॉलेज का पेपर नहीं है जो चेंज हो जाए। ना इसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है, ना इसका फॉन्ट, ये स्टैंडर्ड होता है। भाई निकाहनामा है, मेरे निकाहनामा में कुछ क्लॉजेस मुझे ठीक नहीं लग रहे, समझ में नहीं आ रहे, बस वो चेंज करवाने, कोई बड़ी बात नहीं है। जावेद इसे अच्छी तरह से समझा दो, मेरी तो समझ से बाहर है ये लड़की। खाना बनाने दो, इसे लेके जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें सोनिया, ये बैठे बैठे तुम्हें क्या अजीब से सवाल सूझ रहे हैं?
भाई मैं बस इतना कह रही हूँ कि जहाँ मेरा डिवोर्स का हक लिखा हुआ है वहाँ एक लाइन क्यों लगी? तुम मत सोचो और समझो ना, जरूरी थोड़ी कि हर चीज को सोचा और समझा जा सके। तुम्हारे इन सवालों से आजिज आ चुके हम लोग यार। दोनों घरों में शादी की तैयारी हो रही है और तुम्हारे फजूल से सवाल। भाई ये मेरे लिए छोटी सी बात है ही नहीं। प्लीज चुप हो जाओ, अब इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, तुम्हारा निकाह का टाइम है, अच्छी अच्छी चीजें सोचो। डिवोर्स सोच रही हो तुम? खुदा ना करे भाई, लेकिन मैं ये सवाल पूछ के अनरीजनेबल नहीं हो रही? हो रही हो तुम अनरीजनेबल। तो बाय द वे तुमने ड्राइवर को तुमने वेट कराया बाहर? तुमने कहीं जाना था? कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अपनी एक टीचर से मीटिंग करने जाना था, मैंने बताया था आपको। मीटिंग थी? ये कोई वक्त है मीटिंग का? तुम्हारा निकाह सर पे है, अजीब हो तुम। भाई मुझे सिर्फ जाए कुछ पिक करके वापस लाना है, दैट्स इट। मैं अपनी डेडलाइन नहीं मिस कर सकती, मैं आप लोगों को बता चुकी थी पहले। अच्छा ठीक है जाओ तुम, और प्लीज कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ दो, और अगर डेडलाइन मिस भी हो जाए ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और एक और बात, खबरदार खबरदार, जो तुमने मंसूर से कोई फजूल सवाल किया या कोई डिस्कशन की, हम लोग नहीं चाहते कि ऐन वक्त पे कोई मुसीबत खड़ी। अच्छा अच्छा बहुत लेक्चर हो गया, मैं तैयार भी हूँ। जल्दी जाओ, वेट कर रहा है ड्राइवर। हाँ ठीक है, जा रही हूँ मैं। पेंडिंग है काम, जल्दी आ जाना। अच्छा आ रही हूँ। आपके बारे में ही सोच रही थी। अच्छा क्यों? मुझे तो लग रहा था कि जैसे तुम एक गहरी सोच में गुम। यही सोच रही थी कि आप इतना सब कुछ, इतना काम, सिंगल हैंडेडली अकेले कैसे मैनेज करते रहे हैं। मेरे पास तुम थी तो मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं थी। काश मैं आज भी आपकी असिस्टेंट ही होती, सब कुछ वाकई बहुत आसान होता। बेटा दुनिया में कुछ आसान नहीं होता, और जो चीज आसान होती है वो बोरिंग होती है। ऊपर से हम दोनों बाप बेटी को आज तक कभी कोई बोरिंग चीज पसंद नहीं आई। वो बहुत पहले की बात थी बाबा, आजकल तो जो हालात है ना, जस्टिस इंसाफ मिलना नामुमकिन हो गया है। ऐसे में मेरा तो दिल चाहता है वकालत छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बस बोरिंग जिंदगी गुजारूं। रबिश, बहुत सारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुमने वकालत छोड़ दी तो उनकी हेल्प कौन करेगा? कौन से लोग? ये आपके वेरी वेरी रिच क्लाइंट्स? नहीं बाबा, इनको मेरे जैसे वकील की हेल्प की कम से कम जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ पैसे की जरूरत है। ये पैसे को खुदा मानते। मैं कब उनकी बात कर रहा था, किसी और को भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बाबा को हेलो। हाँ हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ जस्ट कम इन। हाँ आओ आओ। Assalamualaikum मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आओ बैठो बैठो। मैम मैं कितने दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी, मैंने सुना है आपने टीचिंग छोड़ दी, आप तो मेरी फेवरेट टीचर थी। ये कुछ स्टूडेंट्स समझते होंगे, सारे नहीं, आई एम श्योर सारे एग्री नहीं करेंगे इस बात से। नहीं नहीं, जो भी लॉ के बारे में सीरियस था उन सबकी फेवरेट टीचर थी आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई ये लो, ये है तुम्हारे रिकमेंडेशन लेटर्स, और वो जो ऑनलाइन फॉर्म तुमने मुझे फिल करने को कहा था वो मैंने कर तो दिया है, लेकिन प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि ये सारे काम मेरी असिस्टेंट करती थी। नाउ शी इज नॉट हियर, नौकरी छोड़कर चली गई है, और मैं है बस उसको बस मिस कर रही हूँ, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। थैंक यू मैम, मेरी वो डेडलाइन कल की है तो मैं आज ही सबमिट कर दूंगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हाँ चाहिए ना, मुझे कोई अच्छी सी असिस्टेंट ढूंढ दो। इंटर्नशिप कब शुरू हो रही है तुम्हारी? वो अगले सेमेस्टर होगी, क्योंकि मेरा कुछ दिनों में निकाह है तो अबू ने कहा था कि फौरन ना शुरू करूं। अच्छा अच्छा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम। तो फिर क्या सीन है, लव मैरिज है, अरेंज्ड है? जी अरेंज्ड मैरिज ही है, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे पसंद है। अच्छा वेरी गुड। बस सिर्फ क्या? नहीं कुछ नहीं। Are you sure? चलो फिर, best of luck to you for your future life and for your work. हाँ? Okay, thank you so much.
मैम वो आपसे एक फेवर चाहिए था। हाँ हाँ बोलो। मैं अपने साथ अपना निकाह नामा लाई हूँ, अगर आप उसे एक नजर देख लेती हैं। हाँ हाँ श्योर, लेकिन क्यों, क्या बात है? मुझे पूछना था कि अगर कोई लड़की अपने निकाह नामे में कुछ चेंजेस करवाना चाहती हो तो ये मुमकिन है? ऑफ कोर्स मुमकिन है, क्यों मुमकिन नहीं, दिखाओ क्या है। वो असल में कुछ चीजें कटी हुई थी और इत्तेफाक से वही चीजें कटी हुई थी जो मेरे हुकूक के बारे में थी, जैसे कि तलाक, मेहर। दिखाओ मुझे। मैंने अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्टैंडर्ड है, इसी तरह से चीजें होती हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि ऐसे होता है। I'm impressed कि तुमने वक्त निकाल कर अपना ये निकाहनामा पढ़ा, उसे समझा और ये सवाल उठाए। अमूमन लड़कियां ये नहीं करती हैं। इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, ये तुम्हारे राइट्स हैं, कानून ने तुम्हें ये हक दिए हैं, और ये तुम्हारा हक भी है और ये फर्ज भी है कि तुम इनको समझो और जो तुम्हें समझ नहीं आता उसके बारे में सवाल उठाओ। लेकिन तुम्हारे घर वालों को एतराज क्या है? वो मैम मैंने जब भी इस मौजू पर बात करने की कोशिश की है, मेरे घर वाले कहते हैं कि बदशगुनी होती है, मुझे डांट देते हैं। भाई ने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। भाई, ये निकालना भाई का नहीं है, तुम्हारा है। वो बस चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो ताकि बात आगे बढ़े। ये तुम्हारे राइट्स हैं, इनको तुमसे कोई नहीं ले सकता। ये जो सारे चेंजेस किए हैं, इट्स रिडिकुलस। आई एग्री। सुनो, तुम अपने घर वालों से दोबारा बात करो, उनको समझाओ कि ये तुम्हारा लीगल राइट है, ये तुमसे मत ले। देखो, ये महज एक पेपर नहीं है, कोई रस्म नहीं है। दिस इज अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी जिंदगी पर असर करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मेरा मशवरा यही है कि तुम उनसे दोबारा बात करो, उन्हें समझाओ, और अगर उनके जहन में कोई सवाल है तो उसका जवाब दो। बट दिस इज योर राइट, ये तुम्हारा राइट है कि तुम इसको पढ़कर समझकर फिर इस पर साइन कर, अदरवाइज डू। मैं फिर से बात करने की कोशिश करती हूँ लेकिन सब तैयारियों में ही इतना मसरूफ है। And what about the groom? What about him? तुमने ये उससे डिस्कस किया है? क्या उसको भी कोई एतराज है? असल में तो इट इज अबाउट योर लाइफ, तुम दोनों की जिंदगी का मामला है ना ये, तो तुम दोनों ने डिसाइड करना है। अगर वो तुमसे वाकई प्यार करता है, तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, मेरा ख्याल है उसे किसी बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं बल्कि उसी से बात करती हूँ इस बारे में। वो समझदार है, मुझे यकीन है वो मेरी साइड लेगा। अभी तुम्हारे निकाह में कुछ वक्त है, तुम जो चेंजेस चाहो इसमें हो सकते हैं। इट इज अबाउट योर लाइफ। तुम दोनों बैठकर इस निकाह नामे को गौर से पढ़ो और समझो, एंड देन डू व्हाट इज राइट फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी, लगता है अभी से तुम इंतजार करवाने की आदत डलवा रही हो। नहीं, मैंने अपनी पुरानी टीचर से मिलना था ना, मैंने बताया तो था एक रिकमेंडेशन लेटर पिक करने। क्या वाकई? मैं तो समझा था ये घर से निकलने का एक बहाना होगा। चलो कोई बात, एक दफा निकाह हो गया ना, फिर घर पे ऐलान करके मुझसे मिलने आ सकती हो। वो असल में मेरी इंटर्नशिप की डेडलाइन मिस हो जाती है ना, इसलिए जरूरी था। रियली? और नहीं तो क्या। तो क्या तुम अपने निकाह के फंक्शन के लिए तैयारी नहीं कर रही? बिल्कुल मसरूफ हूँ, आज ही वही कर रही थी, बल्कि मैं इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहती थी। ये क्या है? तुम्हारे निकाह नामा। क्या हो गया, क्या यहीं पे साइन करने का इरादा है? मजाक का वक्त नहीं है। तो फिर क्या इरादा बदल दिया? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस चाह रही थी कि हम एक दफा डिस्कस कर लें इसे। ये जो क्रॉस लग के सब कुछ कैंसिल हुआ है, इसी की परेशानी है ना? इससे परेशान होने वाली क्या बात है, ये तो हमेशा होता है। नहीं ऐसा नहीं होता, ये औरतों के हुकूक हैं,
तुम क्या कहना चाह रहे हो कि औरतों के हकूक को कैंसिल करना एक आम सी बात है? देखो ऐसा नहीं है, हो सकता है मॉम डैड से ये बात मिस हो गई हो। नहीं, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम इतनी छोटी सी बात पे निकाह नामा पे साइन नहीं करोगी? मंसूर, मैं तो सिर्फ इसको इसको और इसको चेंज करवाने की बात कर रही। यहाँ तो सिर्फ हर पहर और तलाक की बात की है। और सुनिया परेशान क्यों हो रही हो? यहाँ तक तो इंशाल्लाह बात पहुँचेगी नहीं। इंशाल्लाह, लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। मेरी माँ वहाँ पे हमारी खुशियों के लिए दुआएं मांग मांग के थक गई है, और यहाँ तुम तलाक की बात सोच रही हो? Absolutely not, मंसूर, लेकिन आखिर तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना, इन चीजों को सीरियसली लेना है। सुनिए, यही बातें रह गई सीरियस लेने के लिए? ये नहीं तो और क्या, लड़की घंटे पार्लर में गुजार ले ये ठीक है, लेकिन खुदा ना खास्ता अपने निकाह के बारे में कुछ सवाल पूछे तो आफत आ गई। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारे सवालों से तो लग रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है मंसूर, मैं सिर्फ इसे चेंज करने की बात कर रही। वैसे भी अभी निकाह में 3 दिन बाकी हैं, तब तक तो आसानी से हो सकता है ना। ओके सोनिया, ओके, मैं घर जाता हूँ और मॉम डैड से डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम तूफान खड़ा करके? खैरियत, क्या हुआ है? तुम्हारे ससुराल से फोन आया था, काफी नाराज हैं वो लोग। मंसूर की अम्मी ने तो मुझे साफ साफ कह दिया कि आज जो इसने हरकत की है ना, उस हरकत की वजह से उनका बहुत दिल दुखा है। वो लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो क्या फैसला करें। कौन सा फैसला? अम्मी, तुम मंसूर से मिलने गई थी? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि निकाह से पहले तुम मंसूर से कोई बात नहीं करोगी, फिर कैसे जुर्रत हुई तुम्हारी? तो यही सवाल अपने बेटे से भी तो कर सकता है, अगर मैं मिलने गई तो उसी से और उसी के इसरार पर। सोनिया, तुम 3 दिन तक इंतजार भी कर सकती थी। अबू प्लीज, जो जरूरी बात है ना वो कीजिए। मसला ये नहीं है कि दोनों मिले आपस में, मसला ये है कि इसने बात क्या की उससे। कौन सी बात? मंसूर ने घर जाके ये शिकायत लगाई है कि तुम एतराज है निकाह नामे से। मैंने कुछ सवाल पूछे थे और अगर उनको लग रहा है कि मुझे एतराज है तो हाँ है मुझे एतराज। तुम जानती भी हो कि इसका क्या नतीजा होगा? शायद मेरे निकाह नामे मेरे हुकूक ना कैंसिल हो। अगर उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया तो तुम्हें अंदाजा भी है तुमने हमें किस मुश्किल में डाला है? वो तुम्हारी इस हरकत की वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा? वो ऐसा क्यों करेंगे? मुझे बेटी बनाकर घर ले जाने को तैयार है, लेकिन बेटियों वाले हकूक नहीं दे सकते। हमारे यहाँ रिवाज नहीं कि लड़कियाँ निकाह से पहले मुतालबे करें। लेकिन रिवाज बदल भी तो सकते हैं ना अबू। सोनिया बस बहुत हो गई, तुमने हर बात पर अजीब अजीब सी बातें की। हमने सोचा कि मासूम सी आदत है, लेकिन आज तो तुमने गजब कर दिया। अबू, सवाल पूछना कोई बुरी आदत तो नहीं है? आप ही ने तो हमें सिखाया कि हर चीज के बारे में पूछो, हर चीज को समझो, तो वही तो कर रही हूँ मैं। कसम से इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अमिया फिक्र ना करें, आप दोनों फौरन वहाँ पे जाएं, उनसे मदद कर लीजिएगा और कह दीजिएगा कि इसने बेवकूफी की। किस चीज की माजरत? कौन सी बेवकूफी भाई? सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं होता। सोनिया तुम जाओ, अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर क्यों जाऊं? जब आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी तय की थी, मैंने कुछ नहीं कहा, तो अब जो मैं कुछ कह रही हूँ आप लोग मुझे चुप रहने को कह रहे हैं। सोनिया, I said go inside. अगर वो इसी बात पे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं तो शायद यही बेहतर है। या अल्लाह, इसका क्या होगा? तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप लोग फिक्र ना करें, फौरन उनकी तरफ जाएं, मैं इससे बात करता हूँ। मेरी माँ वहाँ पे हमारी खुशियों के लिए दुआएं मांग मांग के थक गई हैं, और यहाँ तुम तलाक की बात सोच रही हो? आप
आ जाओ ना। क्या हो गया तुम्हें? आप लोगों को क्या हो गया भाई? मुझे एक अनजान घर में भेज रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपने हुकूक पीछे छोड़ती जाऊं। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? अगर निदा ने यही सवाल किया होता आपसे, क्या आप भी उसे घर पे धमकी भेजते? वो क्यों करेगी ऐसा? प्यार करती है मुझसे, तलाक के बारे में क्यों सोचेगी वो? तो यानी कि शादी अभी हुई नहीं है, अभी से आप उसके फैसले उसके लिए कर रहे हैं? देखो निदा तो वैसे ही बड़ी परेशान हो गई है ये सुनके कि तुमने हरकत क्या की। क्यों? देखो तुम जानती हो मैं कई सालों से मेरा इंतजार कर रही है, आने वाले हर रिश्ते को इनकार कर रही है सिर्फ इसलिए ताकि मैं रिश्ता बेच सकूं। तो वो रिश्ते से इनकार कर दे कोई बात नहीं, मैंने कुछ सवाल क्या पूछ ले, मैं तो गुनाह कबीरा कर दिया। देखो बात को यहाँ वहां मत लेके जाओ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी मैं मंगनी तक नहीं कर सकता यार। क्यों? किसने बनाए हैं ये उसूल और हम अंधों की तरह उन्हें फॉलो क्यों करते हैं? मुझे तो कोई मसला नहीं है मेरा भाई मुझे पहले शादी कर ले। तुम्हें मसला नहीं है लेकिन इस मौशरे में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है। मैं बड़ा भाई हूं तुम्हारा, जब तक तुम्हें रुखसत नहीं कर देता ना मैं अपने घर बसाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये आपको बुरा नहीं लगेगा कि वो बेचारी लड़की आपके चक्कर में 2 साल इंतजार करेगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो मैंने अभी अबू से बात की है, वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा निकाह होगा तो मेरी मंगनी भी कर देंगे वो, तो इस तरह थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा बेचारी पे। तो यानी कि मैं आपके लिए कुर्बानी का बकरा हूं? तुम ज्यादती कर रही हो अभी। अगर तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं था तो इनकार कर देती, हाँ क्यों बोला? मुझे लगा कि तुम खुश होगी इस रिश्ते से। मैं थी खुश, मुझे बस उसकी इस हरकत से तकलीफ हुई है। अच्छा ठीक है रिलैक्स, देखो वो बहुत अच्छा लड़का है मैं जानता हूं उसे, तुम्हें खुश रखेगा। तुम जो सोच रही हो ना, परेशान हो रही हो सोच के, इंशाल्लाह सब कुछ भी नहीं होगा। हम सब है ना, हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। वो ठीक है भाई मगर सिर्फ दुआओं से काम नहीं होते, खुद भी कुछ करना पड़ता है ना। ठीक है जो जी में आता जाके करो, एक बड़ा भाई होने के नाते छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आता तुम्हारे पास लेकिन नहीं, तुम लोगों ने सुना ही नहीं है ना। फाइन अब कहां जा रहे हैं हम, बात कर रहे भाई। शुक्र है सारा मामला ठंडा हो गया, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी। इसका मतलब वो लोग मान गए? अरे वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारी लड़की का दिमाग खराब है। सोनिया किधर है? सॉरी। अच्छा हुआ, अब आप सुबह उसे अच्छे तरीके से समझाइएगा। मैंने तो आज कोशिश करके देख ली। नहीं मैं उसे समझा, नहीं अच्छी खासी तैयारियों में मसरूफ थी, न जाने उसको क्या सूझी। जानते तो हैं आप उसे। हाँ लेकिन वो जो कुछ सोच रही है गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। चले बाकी बातें सुबह होंगी, चले आज। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने आपकी नसीहत पर अमल किया था लेकिन सबने उल्टा मुझ पर ही चढ़ाई कर दी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं पूरी रात रिसर्च करूंगी इस टॉपिक पे। बस एक आपसे फेवर चाहिए था, मैं एक दफ़ा और आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ इस टॉपिक पर, तो अगर आपके पास वक्त हो मुझे बता दीजिएगा हम कब बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, खुदा हाफिज़।
वाह भाई, तुमने तो बहुत इन डेप्थ डिटेल से रिसर्च की है, गुड गुड। ये सब मेरे हुकूक हैं, हक महर मांगना मेरा राइट है, और सेक्शन 17, 18, 19 तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। तलाक मांगना एक औरत का राइट है, वरना तो सिर्फ खुला का ऑप्शन रह जाता है। एग्जैक्टली, लोग इसे बच्चगुनी समझकर इस सेक्शन को ही काट देते हैं, और फिर औरत के पास क्या रह जाता है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय खुला के, जबकि ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आप चेंजेस करा सकते हैं। आप लड़की ये भी लिखवा सकती है कि शादी के बाद उसको काम करने का हक होगा, या उसका मंथली अलाउंस क्या होगा, ये सब कुछ इसमें ऐड किया जा सकता है निकाह से पहले। और मैम, यहाँ इस वाले सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ गौर से ना देखूं तो फिर आदमी मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन मैंने इस पे रिसर्च की है। गुड, फिर क्या है राय? व्हाट डू यू वांट टू डू? मैम, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आपके अलावा सब कह रहे हैं कि मैं बेवकूफी कर रही हूँ, खामखा अपने दिमाग में कोई वहम पाल रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम जो कुछ कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। ये तुम्हारा राइट है, कानूनी हक है, और ये हक तुमसे कोई नहीं ले सकता। समझ रही हो तुम मेरी बात? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी डिसीजन लो वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैम, अगर इस वजह से खत्म हो रहा है तो शायद इसी में बेहतरी है। So then, you're ready for whatever comes next? किधर हो तुम? एक जरूरी काम था। इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जरूरत महसूस नहीं हुई। देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कल रात फंक्शन है, और अगर तुमने कोई गड़बड़ की ना। मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रही भाई, तो आप फिक्र मत करें, निकाह हो रहा है। मैं मंसूर की फैमिली से और कुछ नहीं कहूंगी। थैंक गॉड। ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी इतनी बड़ी वकील होकर सब काम छोड़कर अपने डेस्क पर सर रखकर सो रही? नहीं बाबा, मैं सो नहीं रही थी, और अगर यहाँ पे कोई काबिल वकील है तो वो सिर्फ आप हैं। इसमें क्या शक है? लेकिन मैं तो बहुत पहले रिटायर हो चुका हूँ, तो फिर तुम ही हुई ना? नहीं प्लीज, मुझे इतना क्रेडिट ना दें, इतना बोझ ना डालें मुझ पर। अच्छा, खैर काबिलियत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कभी भी अपने डेस्क पर नैप लेता हुआ पाया नहीं है, खास तौर पर उस वक्त जब लोगों को मेरी जरूरत है। बताओ क्या मसला? यही मसला, आई एम ट्राइंग टू हेल्प दिस गर्ल, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, और वो बेचारी भी वो सब कुछ कर रही है जो उसे करना चाहिए, लेकिन बाबा मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि अगर उसका निकाह ना हुआ, उसकी शादी ना हुई, कोई मुसीबत आ गई, तो उसकी फैमिली वाले हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करेंगे। अफसोस, ये ट्रेनिंग तो मैंने नहीं दी तुम्हें। फिर क्या ट्रेनिंग की थी, प्लीज बताइए मुझे, आप ही बता सकते हैं। मैंने वकालत इसलिए नहीं की कि मैं अमीर लोगों की मदद कर सकूं, मैंने इसलिए की कि मैं उन्हें उस कानून से आगाह कर सकूं जिससे उनकी मदद हो सकती है। उन्होंने मेरी एडवाइस ली या ना ली, इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए हमें, और तुम्हें अपने क्लाइंट को वो एडवाइस देनी चाहिए जो तुम खुद अपने आप को देती। तुम बताओ कि तुम अगर उस लड़की की सिचुएशन में होती तो खुद को क्या एडवाइस देती? Thank you, Mom. Thank you. Sonia, Sonia, क्या बात है? तुम्हारी आवाज में वो एक्साइटमेंट नहीं है जो मेरी आवाज में। कल हमारा निकाह यार। नहीं, कुछ नहीं। सोनिया। तुम खुश नहीं हो? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है?
खाना कुछ नहीं। Are you sure? सोनिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। Yes, I'm sure. सोनिया, देखो सोनिया, तुम्हारी पुरानी टीचर आई तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने। ज्यादा देर रुक तो नहीं सकती, लेकिन नई जिंदगी पे तुम्हें कंग्रेचुलेशन करना जरूरी था, इसलिए आ गई। चलिए आप थोड़ी देर इसके पास बैठे, मैं कुछ मेहमानों को बाहर देख लूं और थोड़ा सा इसे अक्कल सिखाएं। बहुत ना समझ है। बिल्कुल नहीं, ना समझ बिल्कुल नहीं है। शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। बल्कि ये तो उन चंद स्टूडेंट्स में से है जिनको देख के मुझे ये लगता है कि मैंने जो सिखाया इन लोगों ने सीखा भी, वो जाया नहीं हुआ, रायगा नहीं गया। चलो, सो हाउ आर यू फीलिंग? घर वाले माने या नहीं? And you're okay with that? मैम, मुझे लगता है शायद बेहतर यही होता कि मैंने कभी अपना निका नामा देखा ही ना, ना मैं वो सब कुछ नोटिस करती है, ना मुझे समझ में आती और ना इतने खुशी के मौके पे इतनी बदमजगी उठती। नहीं, जो तुमने किया वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। इर्गित से जो रिएक्शन आया ना, वो गलत था। अफसोस की बात यह है कि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां अपने हक के लिए आवाज उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मंसूर अच्छा लड़का है, दिल का बुरा नहीं है। बुरी तो तुम भी नहीं। सुनो, मैं आज यहाँ किसी वकील या टीचर की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारे एक दोस्त और हमदर्द की हैसियत से आई हूँ। Whatever you did was right, because it was your right. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आखिर में तुम जो भी फैसला करो ना, वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके कोई फैसला मत करना। फैसला वो करना जिसे तुम ओन कर सको और निभा सको। भाई साहब, काजी साहब नहीं आए? एक मिनट अंकल, प्लान में कुछ चेंज है। आज निका नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि आज सिर्फ मंगनी होगी। मैंने और सोनिया ने डिसाइड किया कि हमें निका में कुछ चेंजेस करनी है, इसीलिए आज सिर्फ मंगनी होगी, निका नहीं। लेकिन हम लोग कुछ समझे नहीं। देखिए ना आंटी, आज मंगनी होगी, फिर निका, और उसके बाद रुखसती। जो भी होगा सबकी मर्जी से होगा, लेकिन मेरी और सोनिया की रजामंदी से। अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंगूठी बना दूं? जरूर बेटा, बिस्मिल्लाह। अजीब लड़का, पहले तो इसकी फैमिली ने ये रट लगाई हुई थी कि मंगनी नहीं निकाह होगा, पर आज वो मंगनी की अंगूठी पहनाकर चले गए। भाई लड़का अगर अजीब है तो हमारी बेटी भी तो अजीब है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी चॉइस बिल्कुल ठीक निकली। ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
अच्छा इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। बेटा आज जो कुछ हुआ ना, उसमें शायद तुम्हारी और मंसूर की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बेटा मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम गलत थे और तुम सही। तुमने आज हमें बहुत कुछ सिखा दिया, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। चले तो जब इतना प्यार आ ही रहा है तो अबू मेरी एक और फरमाइश पूरी कर देना। हाँ बेटा बोलो। मैं चाहती हूँ कि अब हम भाई की शादी की भी बात करें। हम जावेद की शादी में तो अभी काफी वक्त है, पहले तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद हम जावेद के बारे में भी सोच लेंगे। नहीं नहीं, मुझे लगता है यही वक्त ठीक है। क्यों भाई, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई से पहले बहन की शादी हो, और वैसे भी मेरा हक बनता है, मैं अपने भाई की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ। हाँ वो एंजॉय करना तो सभी का हक होता है। क्या कह रही है, लगता है आज तुम्हें फंसाने के चक्कर में आई? वो पहले से ही कहीं और फंसे हुए, पूछ ले उनसे। हैं? हाँ ना पूछ। भाई मैंने अपना काम पूरा कर लिया, बाकी अब आप हैंडल कर लीजिएगा। गुड लक। क्यों जावेद, कुछ पूछ रहे हैं हम, क्या मामला है ये? कुछ नहीं, वो निधा है उसका नाम। वाह मंसूर, आज तुमने क्या हीरो वाला सीन किया, फुल ड्रामेटिक। हाँ हाँ, मैंने सोचा जब आपने एक हीरो से शादी करने का इरादा कर ही लिया तो थोड़ा सा हीरोपन मैं दिखाई दूँ। I like it. जज्बा सब पे भा